हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में सर्किल पढ़ने वाले हैं। और सर्किल में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल और सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ से स्टूडेंट्स सर्किल चैप्टर से कुल मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा जहां पे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल या रेडियस ऑफ सर्किल या फिर सेंटर ऑफ सर्किल, और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा जो कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल या फिर लेंथ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर कोई सर्किल इस तरह से हो जिसका सेंटर O है और ये सर्किल को टच कर रहा है बिंदु A पर, जिसका कोऑर्डिनेट x y है और सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस r हो, तो इसका स्टूडेंट्स इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना हो, अगर आपको सेंटर गिवन है, r गिवन है, तो आप इसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। ये इसका बेसिक फार्मूला है। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मानिए फर्स्ट है, इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज 2-3 एंड रेडियस इज 2, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो क्या होगा स्टूडेंट, फार्मूला हमारे पास क्या है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये तो x रहेगा ही, अल्फा मीन्स क्या ये 2, बीटा मीन्स क्या -3, पुट कर दीजिए का होल स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे देखिए -3 है, अब बीटा की जगह -3 पुट करूंगा तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर यानी 4, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2x यानी -4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y। यहाँ पर देखिए कितना है +4 +9, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये बचेगा +9 = 0। स्टूडेंट यही है सर्किल का इक्वेशन, इसी तरह से आपको फाइंड करना है। जब भी एग्जाम में गिवेन रहेगा सेंटर और रेडियस, तो आप लोग इसी तरह फार्मूला यूज करके किसी भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। एक और इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म, वो सेकंड नंबर में लिख देता हूं, ये सेकंड नहीं है इसका सेकंड, मतलब ये a मान लेते हैं स्मॉल a 1 का, इसको b मान लो। अगर किसी भी सर्किल का सेंटर मान लेते हैं इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज -g - f, मतलब ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ -g - f है, ये ए। स्टूडेंट्स इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। स्टूडेंट्स ये भी है सर्किल का इक्वेशन है, क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है जिसका सेंटर अल्फा बीटा हो, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। दूसरा अगर स्टूडेंट्स किसी से सर्किल का सेंटर -g - f हो, तो उसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो
यहाँ के स्टूडेंट्स c बराबर ये जो माइनस g है ना, माइनस g बराबर अल्फा है और माइनस f बराबर बीटा है और c बराबर स्टूडेंट r स्क्वायर है। ठीक है, क्या है r स्क्वायर रेडियस का। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब आपका ये क्वेश्चन नंबर टू डील होने वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड डील होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड डील करने के लिए इसको मिटाऊं, इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी सर्किल का सेंटर अल्फा बीटा हो तो इक्वेशन ये होगा, अगर किसी सर्किल का सेंटर माइनस जी एफ हो, माइनस जी माइनस एफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो को डील करूंगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्यूशन देख लीजिए स्टूडेंट्स। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, और क्वेश्चन यहां पे मैं दे देता हूं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव नहीं एट एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस सेवन बराबर जीरो, ऐसा दे दिया। कहता है कि ये जो क्वेश्चन दिया है यहां से आपको रेडियस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स रेडियस। और रेडियस फाइंड करने के लिए देखिए हम बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पे अब फोकस करेंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस सेवन बराबर जीरो। तो रेडियस अगर ऐसा इक्वेशन हो आपको रेडियस फाइंड करना है तो आर बराबर होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्टूडेंट्स जब इस प्रकार का इक्वेशन हो और आपको रेडियस फाइंड करने के लिए पूछा गया है तो आर बराबर होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए जी क्या है सेंटर है, एफ क्या है सेंटर है, सी क्या है स्टूडेंट ये प्लस सेवन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है जब भी ऐसा इक्वेशन हो तो एक्स और वाई का कोफिशियंट, ये जो एक्स है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका कोफिशियंट हमेशा वन होना चाहिए, इसका हमेशा वन होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए इसका हमेशा वन होना चाहिए, अगर वन नहीं है तो देख लीजिएगा इसका और इसका कोफिशियंट बराबर आता है तो उतना से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन लेंगे बताया जाएगा उसमें। इस पर गौर करिए ये x जो है ना और ये आपका y जो है इसमें क्या है 2gx इसमें 2fy, यानी ये जो 8x है इसमें छिपा हुआ है 2gx, ये 12y है इसमें छिपा हुआ है 2fy। तो कैसे फाइंड करेंगे ध्यान रखना, ये 2gx 8x को क्या लिख सकते हैं 2 × x 4 और ये 12y को क्या लिख सकते हैं 2 × 6 × y, मतलब ये 2 जो है इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 जो है इस g को रिप्रेजेंट कर रहा है, x तो x को रिप्रेजेंट, फिर देखिए 2 इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 6 है इस y को रिप्रेजेंट कर रहा है और y खुद y को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ करना नहीं है, करना क्या है कि जिसमें 8x है x वाले टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, जो भागफल आएगा जो 28 आएगा उसको g के प्लेस पे पुट कर देना, इस 8x को 2 से भाग करो तो 2 से जब भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा 4, तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर, लेकिन माइनस में चिन्ह माइनस कर देना, ये वैल्यू प्लस में है ना लेकिन चिन्ह देना माइनस। उसके बाद ये जो 12y है इसको भी 2 से डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसका स्क्वायर लिखना है,
12 को 2 से भाग करोगे तो भागफल आएगा 6, लेकिन लिखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह ये सी का वैल्यू है 7। चलिए अब लिखो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 माइनस 7, और देखिए कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है आपका 29 और प्लस 16 और 6 15 है 1 2 3 4 45, रूट अंडर 45 हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 3 से भाग दो तो 15 3 से भाग दो हो जाएगा स्टूडेंट्स 3√5। तो आपका जो r निकला है r बराबर 3√5, ये आपका आंसर, ये रेडियस। क्या देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस प्रकार का इक्वेशन दिया है इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, g के प्लस में रखेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, f के प्लस में रखेंगे, ऑलरेडी c को है ही, सॉल्व कर देते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, r निकालना है, क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10y प्लस 5 बराबर 0। तो r बराबर स्टूडेंट्स g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c बराबर रूट अंडर, इसको 2 से भाग करूंगा तो कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर छोड़ो रहने दो, 10 का स्क्वायर प्लस इसको 2 से भाग करूंगा तो भागफल कितना आएगा 5, लेकिन स्टूडेंट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर में माइनस करो प्लस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर और माइनस c मतलब माइनस 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट अंडर 100 प्लस 25 माइनस 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट 120, और 120 को बाहर कर दो, 2 से करो तो 60, 2 से करो 30, 2 से करो 15, फिर 3 से 2 से किए 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2√5 ना 120। तो रेडियस जो हमारा आया है r बराबर 2√15, ये आंसर समझ में आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, एक में जब तक आपका कंफ्यूजन दूर ना हो जाए, फिर देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x + 4y - 3 = 0। चलिए r बराबर स्टूडेंट्स रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर, मतलब इसको क्या करना है 2 से भाग करो, तो 7 का स्क्वायर कितना प्लस, इसको 2 से भाग करो 2, 2 का स्क्वायर माइनस सी कितना माइनस, खुद है यहाँ भी माइनस है प्लस 3, ये हो जाएगा रूट अंडर 49 प्लस 4 प्लस 3, 4 × 3 = 7 57 56, तो बाहर भी निकाल दो, यही आपका रेडियस, यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। चलिए और भी बताऊँ, अभी और बताएंगे, टेंशन नहीं लो। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x - 3y + 2 = 0। चलिए आर बराबर रूट अंडर 5 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2.5, भागफल हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, 3 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5, माइनस सी होता था ना तो माइनस सी मतलब 2, वही फर्म होगा, इसका स्क्वायर करो 25 625 इतना प्लस 15 का 225 यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 265, 2 माइनस हो जाएगा 0.25, 0 5 6, ये हो जाएगा स्टूडेंट रूट अंडर 650, मतलब r बराबर ये है, r का वैल्यू क्या है रूट अंडर 650, आप इसको बाहर कर सकते हो ना, तो आगे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर इतना बटे 100, 10 कट गया, फिर 5 से कटाओ
तो हो जाएगा स्टूडेंट 13 बटे 2, ये आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आर फाइंड करना है। यहाँ पर है 4x² + 4y² + 8x + 12y - 2 = 0। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बतलाया था ये x² y² हमेशा फ्री होना चाहिए, ये किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मतलब इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए x² + y² मतलब x² का कोफिशिएंट 1 और y² का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ है x² का कोफिशिएंट 4 और y² का कोफिशिएंट 4, तो इस 4 को हटाना है, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x² + y² + 4 * 8 = 12, और यहाँ पे तो निकलेगा नहीं 4, ये हो जाएगा 1/2 = 0। तो क्या बचा, ये उधर चल जाएगा, यानी x² + y² + 2x + 3y - 1/2 = 0। इसीलिए r = g² + y² - c। तो इसको 2 से भाग करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 से भाग करेंगे कितना 3/2 का स्क्वायर - c - - + 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर r का मान आ जाएगा। हाँ, आपका क्वेश्चन ये होता होगा कि सर अगर x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट कुछ दूसरा आ जाए, ऐसा नहीं होगा, आएगा तो दोनों का कोफिशिएंट सेम आएगा ताकि इसको कॉमन लिया जा सके, डिफरेंट आ ही नहीं सकता। देख लो आप स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ना रेडियस फाइंड करने के लिए मैंने बतला रहा था, चलिए इसको मिटाते हैं। जब इस प्रकार का इक्वेशन होता तो ये फार्मूला लगाते हैं रेडियस का, √g² + f² - c। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस फाइंड करने के और भी तरीके हैं। अगर कोई सेंटर है सर्किल है और इस सर्किल का ये डायमीटर दिया है और सेंटर है O, डायमीटर A और B, A का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स x1 y1 और इसका है x2 y2। ध्यान देना, कोई सर्किल है जिसका डायमीटर AB है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो कभी कभी कहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इफ पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 हुज मीटिंग पॉइंट डायमीटर ऑफ सर्किल। अगर ये डायमीटर का सर्किल, अगर इस सर्किल का डायमीटर है और उसी से मीट होके कोई सर्किल जा रहा है, गुजर रहा है या बन रहा है और उसका दोनों पॉइंट गिवेन है, तो इसका आर क्या होगा, आर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। आर बराबर हो जाएगा 1/2 √(x1 - x2)² + (y1 - y2)² ये फार्मूला याद रखना। आर बराबर क्या होगा 1/2 √(x1 - x2)² + (y1 - y2)² बहुत आसान है क्योंकि टोटल तो डायमीटर है और डायमीटर ए बी बराबर, देखिए ये कैसे फार्मूला आया, ए बी ये डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √(x - x²) = (x1 - x2)² फिर स्टूडेंट्स (y1 - y2)² ये तो पढ़े ही होंगे आप लोग, ये डिस्टेंस फार्मूला ए बी, ए बी क्या है हमारा डायमीटर है, तो आर क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये हमारा डायमीटर है ना, तो आर बराबर क्या होगा डायमीटर का हाफ, इसीलिए 1/2 और √(ये टोटल कर दिए, ये टोटल था डायमीटर, ये डी है। अगर हमको आर निकालना हो तो डी को क्या करेंगे 2 से भाग कर दूंगा, बस हो गया ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स यही कोऑर्डिनेट रहता 1 2 और ये रहता 3 5, तो कहता निकालिए आर, तो आर बराबर क्या होता 1/2 √(3 - 1)² + (y1 - y2) मतलब यहाँ पे 2 है, 2 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9।
तो इस तो क्या हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर 13, तो आंसर हो जाएगा आर बराबर रूट 13/2 आंसर। स्टूडेंट आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे, अगर डायमीटर हो या फिर उसका सेंटर गिवन हो या फिर ऐसा इक्वेशन दिया हो तो उसका आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं स्टूडेंट सेंटर किस तरह से फाइंड किया जाएगा। सेंटर भी दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन ए, इफ गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, देन सेंटर ऑफ सर्किल बराबर क्या हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। ये जो है ना g और f यही इसका सेंटर है, लेकिन चिन्ह को बदल करके हमेशा माइनस जी माइनस एफ होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16y माइनस 7 बराबर 0, तो सेंटर c बराबर क्या होगा जानते हो स्टूडेंट्स, इस 8x को 2 से भाग करो तो भागफल कितना आएगा प्लस 4, तो माइनस 4 लिखना है। इस 16 को स्टूडेंट 2 से भाग करो कितना आएगा भागफल 8 आएगा 8, लेकिन इसका चिन्ह बदल देना है माइनस 8, यही सेंटर, कितना आसान है बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 2 बराबर 0, सेंटर c बराबर स्टूडेंट इस 4x को 2 से भाग करो भागफल कितना 2, माइनस 2 आ रहा भागफल, तो देख लीजिए माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर देना, चिन्ह जैसा रहेगा उसको बदल के लिखना है, तो प्लस 2, यहाँ पर 10 है 10 को 2 से भाग करो भागफल कितना प्लस 5, तो इसको लिखेंगे माइनस 5 हो गया, सेंटर कितना 2 और माइनस 5। और भी स्टूडेंट जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0, तो सेंटर बराबर इस 2 5 को डिवाइड करो, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि टोटली डिवाइड नहीं हुआ 5/2, चिन्ह है माइनस तो प्लस का चिन्ह देंगे, 6 को 2 से भाग करो तो 3 आएगा, लेकिन इसका प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस कर दूंगा, बस चिन्ह बदल करके भागफल लिखना होता है। और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर है स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से देखो ये 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर है जो कि सिंगल होना चाहिए, या डबल है दो कॉमन ले लो इससे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x है, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 10y माइनस 2 बराबर 0, ये 2 उधर जाएगा खत्म, ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लिए थे, अब देखो ये सिंगल सिंगल हो गया, अब फार्मूला पे आ जाएगा, कौन सा फार्मूला ये वाला फार्मूला, अब इसको हम 2 से भाग करूंगा स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो प्लस 2 भागफल आएगा ना, तो चिन्ह बदल के लिखना है, यहाँ पे प्लस 10 भाग करो तो इसका हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 भागफल आ रहा है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा माइनस 5 ना। एक तरीका और देखिए, जैसे स्टूडेंट ये सर्किल है, ये डायमीटर है इसका ए बी, उस समय जो बताए थे इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, ये सेंटर इसका ओ है, तो स्टूडेंट्स सर्किल का सेंटर क्या होगा पता है, सी बराबर हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू और वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, बहुत आसान। अब कहोगे सर ये तो पढ़े थे हम लोग ज्योमेट्री में, ये तो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल डायमीटर का बीच का जो बिंदु होता है वही तो डायमीटर है, डायमीटर के बीच का जो बिंदु है वही उसका क्या है सेंटर है स्टूडेंट्स,
तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बराबर होता है एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट बटे दो, वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट बटे दो, यानी सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स को जोड़ के दो से भाग कर दो, वाई वाई को जोड़ के दो से भाग कर दो। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कहेगा कि एक सर्किल है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड सेंटर ऑफ सर्किल व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स टू थ्री फोर फाइव होज मीटिंग पॉइंट इज डायमीटर। मतलब ये जो जहाँ पे मीट कर रहा है वो डायमीटर है। स्टूडेंट्स कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये सर्किल है, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स टू थ्री और ये पॉइंट है स्टूडेंट्स फोर फाइव। तो इसका सेंटर सी बराबर क्या होगा, एक्स वन एक्स टू बटे दो, मतलब दो प्लस चार यानी छ बटा दो, और वाई वन प्लस वाई टू तीन प्लस पाँच यानी आठ बटा दो, ये हो जाएगा कितना, तीन और चार आंसर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो x x को जोड़ के दो से भाग और y y को जोड़ के दो से भाग कर दो, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा किस तरह से किसी भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड किया जाता है, रेडियस फाइंड किया जाता है और उसका सेंटर फाइंड करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन से हम लोगों ने अलग अलग तरीके से रेडियस और सेंटर फाइंड करना सीखा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्यूशन होगा जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।